स्क्वायर मैट्रिक्स तो पहली बात क्या बोली गई है स्क्वायर मैट्रिक्स सो फर्स्ट थिंग गाइस नोट डाउन इन योर कॉपी दैट सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ओनली डिफाइंड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ओके तो ये जो हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं ये सिर्फ स्क्वायर मैट्राइसिस के लिए पॉसिबल है और किसी मैट्रिक्स के लिए नहीं ओके सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स विच इज अनचेंज बाय ट्रांसपोजिशन इज कॉल्ड सीमेट्रिक तो समझ में नहीं आया दो मिनट में आ जाएगा तो क्या बोला गया है देखो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं इफ यू हैव अ स्क्वायर मैट्रिक्स ठीक है लेट मी लेटमीज दिस इफ यू हैव अ स्क्वायर मैट्रिक्स एल राइट एंड द मैट्रिक्स इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज क्या बोला मैंने कि अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है और वो ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है तो 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 इस मैट्रिक्स मैट्रिक्स। ए को क्या बोल दिया जाएगा? इट्स तो यही तो लिखा है। which is unchanged by transposition. मतलब transpose लेने पे भी जो अनचेंज रहे उसी के equal रहे उसे symmetric बोल देंगे ठीक है हमें डेफिनेशन क्यों याद रखनी है हमें तो लॉजिक याद रखना है तो लॉजिक क्या है इफ फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए ए बिकम्स इक्वल टू ए ट्रांसपोज देन इट्स अट्रिक मैट्रिक्स

टॉक अबाउट सिमेट्रिक मैट्रिक्स और फिर कोई भी मैट्रिक सिमेट्रिक कब होगा जब उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल हो ठीक है तो ट्रांसपोज इक्वल है मतलब क्या बेटा मैं बोल सकता हूं ए आई जेवल टू ए जे आई अरे यार किसी भी मैट्रिक्स को आप लोग जस्ट मैं एक सिंपल टू क्रॉस टू लेता हूं ए वन वन एन टू ए टू वन ए टू टू एंड इफ यू टेक इट्स ट्रांसपोज गाइज सो फर्स्ट रो यूल फर्स्ट कॉलम पहले रो को बेटा पहला कॉलम बना देते हैं ए वन वन ए वन टू दूसरे रो को दूसरा कॉलम बना देते हैं अब बताओ अगर ये दोनों इक्वल है तो देखो ए वन वन ठीक है इक्वल टू ए वन वन है लेकिन क्या आपको दिख रहा है ए वन टू इक्वल टू ए टू वन ए टू वन इक्वल टू ए वन टू सो कैन से ए आई जे इक्वल टू ए जे आई राइट

तो पहली कंडीशन तो यहां फॉलोड है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है दूसरी क्या होनी चाहिए कि सर इसका ट्रांसपोज इसके इक्वल होना चाहिए ठीक बात है वो तो आपको पता है कि ट्रांसपोज लेकिन क्या इस मैट्रिक्स को देख के विदाउट फाइंडिंग ट्रांसपोज के आप मुझे बता सकते हो कि ये सिमेट्रिक कब होगा तो आप बोलोगे हाँ सर बता सकते कैसे यार ये लिखा ए आई जे इक्वल टू एजेआई चेक करो ना ए आई जे इक्वल टू ए जे आई मीन्स अगर ये ए वन टू इस ए टू वन के इक्वल है अगर ये ए वन थ्री इक्वल टू दिस ए थ्री वन है और अगर ये a32 टू ए टू थ्री है तो मैं क्या बोल दूंगा कि सर ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ओके सो कैन आई से दैट फॉर अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स द नॉन डायगनल एलिमेंट ये कैसे एलिमेंट हैं ये सब नॉन डायगनल ओके इफ दे आर मिरर इमेज ऑफ इच अदर अबाउट डायगनल दिख रहा है दिस इज मिरर इमेज मतलब इक्वल है मतलब ये दोनों सेम होंगे ये दोनों सेम होंगे और ये दोनों सेम होंगे डायग्नल एलिमेंट के लिए क्या कोई कंडीशन है नहीं डायग्नल एलिमेंट कैन बी एनी थिंग दिस एलिमेंट ए वन वन ए टू टू एस कैन बी एनी थिंग बट जो नॉन डायग्नल एलिमेंट है अगर वो इक्वल हुए मैं देखते से ही बता सकता हूं दैट इट्स मैट्रिक्स सो आई नीड टू टेक केयर ओनली ऑफ टू थिंग्स फर्स्ट इट शुड बी अस्क्वायर मैट्रिक्स सेकेंड द नॉन डाइग्नल एलिमेंट शुड बी मेरर इमेज और डेफिनेशन क्या है तो अगर ए बराबर ए ट्रांसपोज हो गया किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के इक्वल है देन इट विल बी कॉल्ड एज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ओके सो दिस इज गाइस योर डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ओके गाइस नाउ आफ्टर सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट टाइप ऑफ स्पेशल मैट्रिक्स That is, skew symmetric, तो गाइज हम जब भी बात करते हैं तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की बात में करते हैं तो सिमेट्रिक हमने लास्ट क्लास में देखा कि अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ए बिकम्स इक्वल टू ए ट्रांसपोज देन इट इज कॉल्ड एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स राइट अब स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है तो गाइज इसकी भी डेफिनेशन बहुत सिंपल है अस्क्वायर मैट्रिक्स ए तो पहली बात कि स्क्यू सिमेट्रिक भी

एंड ए टू थ्री दैट नीड्स टू बी इक्वल टू ए थ्री टू और राइट ए टू थ्री किसके इक्वल होना चाहिए माइनस ए थ्री टू राइट गाइड सो इफ यू फॉलो दिस डेफिनेशन ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई वी कैन सी दैट दीज नॉन डायग्नल एलिमेंट दीज नॉन डायगनल एलिमेंट दे शुड बी अपोजिट ऑफ इच अदर इन साइन न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगा मतलब अगर ये टू है तो ये माइनस टू यह माइनस थ्री है तो ये थ्री तो सिर्फ साइन का डिफरेंस आने वाला है आपको दिख रहा है है ना तो जो सिमेट्रिक के केस में इक्वल थे अब वो क्या है अब वो एक दूसरे के अपोजिट साइन के हैं न्यूमेरिकली तो वैल्यू इक्वल है लेकिन साइन अपोजिट है है ना अच्छा गाइज डायगनल एलिमेंट्स के बारे में हम क्या बोलेंगे यहां पे तो डायगनल एलिमेंट्स के केस में इफ यू रिमेंबर देर वॉज नो स्पेशल कंडीशन फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स बट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में क्या होगा तो यहां पर देखो हम क्या बोल सकते हैं फॉर डायगनल एलिमेंट्स कैन यू सी आई इज इक्वल टू जे सो वी कैन से ए आई दैट नीड्स टू बी इक्वल टू माइनस ए आई आई और इसको गाइज इधर आप ले आओगे तो आ जाएगा टू टाइम्स ए आई आई इक्वल्स टू जीरो और कैन आई डायरेक्टली से दैट ए आई आई इक्वल्स टू जीरो दैट मीन्स ए वन वन अगर आई की जगह वन पुट किया तो ए वन वन पुट किया तो ए टू टू और थ्री पुट किया तो ए थ्री थ्री सारे डायगनल एलिमेंट्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए oh ये बहुत important condition है। तो हम क्या बोलेंगे पर? नॉन डायगनल एलिमेंट्स ओके दे शुड बी यू कैन से मिरर इमेज विथ नेगेटिव साइन विथ अपोजिट साइन है ना वैल्यूज न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होंगी लेकिन साइन डिफरेंट होंगे सिमेट्रिक के केस में क्या होता था देर वॉज नो कंडीशन फॉर डाइग्नल एलिमेंट दे कैन बी एनीथिंग एंड द नॉन डाइग्नल एलिमेंट हैज टू बी सेम मिरर इमेज ऑफ अदर यहां पर माइनस टाइम्स ऑफ इच अदर होना चाहिए ठीक है तो गाइज दिस इज योर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई तो गाइज अगर आप यहां पर इस टाइप का कोई मैट्रिक्स देख रहे हो जिसमें डायगनल एलिमेंट जीरो और ये एलिमेंट्स क्या है माइनस ऑफ ईच अदर तो गाइज इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं माइनस ऑफ ए ये किसके इक्वल होगा माइनस ऑफ ए जैसे कि आप एग्जांपल लेके देखो अब मैं न्यूमेरिकल एग्जांपल आपको देता हूं यू विल अंडरस्टैंड सो इफ आई वांट टू राइट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री क्रॉस थ्री फर्स्ट थिंग इज सर डायगनल एलिमेंट जीरो होने चाहिए अच्छा नॉन डायगनल एलिमेंट एक दूसरे के नेगेटिव टाइम्स होना चाहिए सो इफ इट इज माइनस वन दिसनस टू इट्स डायगनली अपोजिट दिस एलिमेंट शुड बी टू अपोजिट साइन इफ दिस इज माइनस थ्री दिस एलिमेंट नीड्स टू बी इक्वल टू थ्री सो दिस इज अग्जाम्पल ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक गाइज डायगनल एलिमेंट जीरो और नॉन डायगनल माइनस ऑफ इच अदर इसका अब आप मुझे बताओ बेटा ट्रांसपोज क्या होगा तो ट्रांसपोज कैसे लेते थे सर रो को कॉलम बना दो तो पहले रो को पहला कॉलम बनाया दूसरे रो को बेटा दूसरा कॉलम बना दिया राइट right? और ये जो थर्ड रो है टू माइनस थ्री जीरो तीसरा कॉलम बना दिया नाउ इफ यू ट्राई टू सी अ रिलेशन बिटवीन ए एंड ए ट्रांसपोज कैन यू सी इट इज जस्ट माइनस ऑफ इट यहाँ वन माइनस टू है यहां नेगेटिव माइनस वन टू आ गया यहाँ माइनस वन थ्री है यहां वन और माइनस थ्री आ गया तो क्या आपको दिख रहा है मैं बहुत इजीली बोल सकता हूं कि जो ए ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल है माइनस ऑफ ए के या फिर आप बोल सकते हैं ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज इट्स द सेम थिंग ओके सो दिस इज हाउ सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ओके ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई एंड ए यू कैन से ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए okay so for symmetric transpose is equal to itself for skew symmetric transpose is equal to negative of the matrix all right guys this is a common example diagonal element zero and non diagonal elements you can see mirror image with a negative sign with opposite sign h minus h minus g g f minus f okay guys so this is about your skew symmetric matrix all diagonal elements are zero okay now guys let's talk about

सो फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स वी ऑलरेडी नो डायगनल एलिमेंट कैन बी एनीथिंग तो इसे तो चेक करना ही नहीं है लेकिन नॉन डायगनल एलिमेंट्स सेम होने चाहिए मिरर इमेज होने चाहिए तो क्या आपको दिख रहा है एंड सेम सो वी कैन से दैट यस ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ऐसा होगा ना यार क्योंकि ये एलिमेंट और ये एलिमेंट जब आपने ऐड किए सॉरी तो उसका ट्रांसपोज लेने पर क्या हुआ ट्रांसपोज लेने पे ये एलिमेंट यहां पहुंच गया और ये एलिमेंट यहां तो एडिशन तो यार फिर से सेम ही आने वाला है ना

a1 1, one a1 one 2 a1 3 a2 1 a2 2, two a2 two 3 a3 three 1 a3 2 a3 three, 3 okay this is your matrix a and now if you take its transpose a dash so row will become column a1 2 sorry a1 1, one a1 one 2 a1 3 फर्स्ट रो को हमने क्या कर दिया बेटा फर्स्ट कॉलम बना दिया सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो तो कितना आ जाएगा देखो ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री राइट दिस रो विल बिकम दिस कॉलम एंड थर्ड रो विल बिकम थर्ड कॉलम सो दैट इज ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री ओके सो दिस इज माय ए एंड ए इट्स ट्रांसपोज ओके तो ए और ए ट्रांसपोज आ गए अब हम

और यहां क्या उसका रिवर्स आ गया ए टू वन माइनस ए वन टू तो कैन वी सी ए वन टू माइनस ए टू वन एंड ए टू वन माइनस ए वन टू आर अपो एंड सेम फॉर वेल सो दैट्स वाई यू कैन क्लियरली सी दैट ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक ओके सो एक्सक्यूसिमेट्रिकाइज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रॉपर्टीज कि किसी भी मैट्रिक्स एक्सक्यू सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए ए प्लस ए ट्रांसपोज तो क्या होता है symmetric and a minus a transpose is skew symmetric i hope this property is clear to all of you okay let's see the next property guys okay so the second property is any matrix can be written as a sum of symmetric and skew symmetric matrix okay koi b

प्लस ऑड फंक्शन किसी भी फंक्शन को इवन प्लस ऑड फंक्शन के टाइप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसा ही यहां पर यार कोई भी मैट्रिक्स ए ले लो ठीक है उसे हम क्या ऐसा लिख सकते हैं ए ए ए इज इक्वल टू प्लस ट्रांसपोज बाई टू अब बोलोगे सर ये कैसे आ गया अरे यारन बाई टू देखो वन बाई टू को कॉमन लो तो आपको दिख रहा है ये तो कैंसिल हो जाएगा ए प्लस ए विलू ए तो टू 2 बाई टू विल ओनली तो मैंने a को इस फॉर्मेट में लिख दिया और भाई अभी हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि a a कैसा मैट्रिक्स होता है सर ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है इट्स अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ए माइनस ए ट्रांसपोर्स कैसा मैट्रिक्स होता है सर इट्स अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ओके ए माइनस ए ट्रांसपोजेस क्यू सिमेट्रिक ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक वन बाई टू कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करने पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा तो क्या आपको दिख रहा है ये पार्ट सिमेट्रिक पार्ट है और ये पार्ट सिमेट्रिक तो ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी हो गई तो कोई भी मैट्रिक्स ए अगर आपको दिया जाए उसमें आपसे पूछा जाए व्हाट इज इट्स सिमेट्रिक पार्ट तो आपको घबराना नहीं है कि अरे ये क्या पूछ लिया गया किसी मैट्रिक्स का सिमेट्रिक पार्ट कैसे बताऊं मैं चेक तो कर सकता हूं कि वो सिमेट्रिक है या नहीं लेकिन सिमेट्रिक पार्ट कैसे बताऊं तो बेटा ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई टू जो होगा ये एक मैट्रिक्स ही होगा ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स उस ए का सिमेट्रिक पार्ट होगा और ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई टू क्या होगा उसका स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट ओके वेरी सिंपल प्रॉपर्टी कनेक्टिंग टू द फर्स्ट वन

थोड़ी सी आपको समझनी है याद भले देखो फर्स्ट टू तो याद रहनी चाहिए अच्छे से ये थोड़ा अगर याद नहीं भी है तो आप इसको समझ सकते हो हर बार इसे डिराइव सिम्पलीफाई करना बहुत ईजी है तो अगर ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिए हैं तो गाइज मैं आपको यहाँ पर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच भी बताता हूँ कभी भी क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा कुछ दिया हो ना ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या क्यू सीमेट्रिक मैट्रिक्स देन डू 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 दिस फलाना दिमाग का तो हमें क्या पता होना चाहिए कि अच्छा अगर ए और बी सिमेट्रिक हैं देन न श्योरली से ए विल बी इक्वल टू ए ट्रांसपोज एंड बी विल बीवल टू बी ट्रांसपोज टेलमी येक्ट अगर ये दोनों बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज ओके सो गाइज इफ यू नो दिस थिंग देन वी कैन सी समल्ट फर्स्ट ऑफ ऑल ए प्लस बी और ए माइनस बी दिस विल बी ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए बी प्लस बी एज ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे आ गया सर हाँ कैसे आपने डायरेक्ट बोल दिया क्या याद रख लो याद रख सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है पर कितना याद रखेंगे क्या प्रूफ करके समझ सकते हैं बिल्कुल समझ सकते हैं तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि ए और बी सिमेट्रिक थे तो ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी अच्छा ए प्लस बी को गाइज अगर मैं चेक करना चाहता हूं वेदर दिस इज ट्रांस लाइक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक और इट इज नाइदर ऑफ देम तो व्हाट आई कैन डू लेट्स टेक इट्स ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज लेके देखते हैं क्या आ रहा है तो गाइज ए प्लस बी मैंने ट्रांसपोज इक्वल टू ए आ गया और B ट्रांसपोज इक्वल टू B आ गया तो क्या आपको दिख रहा है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू इट एंड दिस इज दॉपर्टी ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो हम क्या बोल देंगे हाँ सर ए प्लस बी एक

प्लस बी ए ट्रांसपोज राइट इस तरह से हो जाएगा अब यहां पर क्या होगा रिवर्सल लॉ लगेगा ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है याद आया बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज तो मैंने आपको बोला था कि ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी आगे इंपॉर्टेंट होंगी आप सोच रहे सर बस पढ़ा दिया तब तो कोई क्वेश्चन हमने किया नहीं था अब हम करेंगे क्वेश्चन अभी आएंगे क्वेश्चन और ये देखो प्रॉपर्टी में प्रूफ ये क्वेश्चन की तरह आ सकता है आपको

ठीक है सेकेंड पॉइंट क्या आ गया कि जो ए बी माइनस बी ए होगा ये एक स्क्यू सिमेट्रिक होगा कैसे प्रूव किया अगेन गाइज आई विल डू नथिंग आई विल जस्ट टेक ट्रांसपोज मैं फिर से ट्रांसपोज लूंगा तो गाइज आई कैन सेपरेट ट्रांसपोज ओवर नेगेटिव साइन सो दिस विल बी ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज नाउ ए बी ट्रांसपोज आई कैन राइट एज बी ट्रांसपोज इन टू ए ट्रांसपोज माइनस

तो हम क्या करते हैं हम उसका सिंपली ट्रांसपोज ले लेते हैं बेटा चलिए तो ये आपका थर्ड प्रॉपर्टी हुआ दिस इज मोर लाइक ऑफ अंडरस्टैंडिंग नॉट रिमेंबरिंग पार्ट अर्लियर टू आप याद भी रखिए बहुत इजी प्रॉपर्टी थी ये याद रखना इतने सारे रिजल्ट हैं तो उसको समझ लो दो मिनट में प्रूव कर लोगे यार राइट चलिए नेक्स्ट है ए बी इज अट्रिक मैट्रिक्स वेन ए बी इज इक्वल टू बी ए तो ये तो बहुत सिंपल सा पार्ट है यू कैन जस्ट टेक अगेन ट्रांसपोज एंड प्रूव इट वेरी नाउ फोर्थ इज इफ ए एंड बी आर टू स्क्यू सिमेट्रिक देन अगर ए और बी दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो फिर हम क्या रिजल्ट बोल सकते हैं गाइस देन वी कैन से कि ए प्लस माइनस बी ए बी माइनस बी ए ये फिर से कैसे मैट्रिक्स होंगे स्क्यू सिमेट्रिक तो ऑब्वियसली बात है अगर ए और बी गाइस क्यू सिमेट्रिक हैं तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए होगा और बी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस बी अगेन इफ यू टेक ट्रांसपोज ऑफ दीज मैट्रिक्स दे विल कम इक्वल टू माइनस ऑफ इटसेल्फ एंड यू कैन से दीज आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्राइसेस ओके, नेक्स्ट इज ए बी प्लस बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो ए बी प्लस बी ए अभी हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस मिलके वो प्लस हो जाएगा गाइस यू कैन जस्ट टेक ट्रांसपोज एंड सी ओके दिस इज अगेन वेरी सिंपल प्रॉपर्टी राइट नाउ गाइज बेस्ड ऑन सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक अस सॉल्व सम

और minus -b एंड ab minus -b है ये सारे कैसे मैट्रिक्स हैं ये सारे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं अच्छा तो अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो अब हम क्या बोल सकते हैं देखो a plus b को अगर मुझे प्रूव करना है तो मैं कैसे प्रूव करूंगा यार उसका ट्रांसपोज ले लेता हूं मैं तो a plus b का अगर मैंने ट्रांसपोज लिया गाइस सो आई कैन ब्रेक सम ट्रांसपोज ओवर समेशन साइन लाइक सेपरेट सो इट विल बिकम a ट्रांसपोज like so b ट्रांसपोज अच्छा ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए था और बी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस बी था माइनस ए माइनस बी है ना अब माइनस कॉमन अगर मैं ले लू तो क्या आपको दिख रहा है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज माइनस ऑफ इट सेल्फ आ गया और अगर यार माइनस ऑफ इट सेल्फ आ गया तो ये तो प्रॉपर्टी किसकी होती है क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की होती है तो हम क्या बोल देंगे कि ये जो मैट्रिक्स है ए प्लस बी यह एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है है ठीक ऐसी बेटा अगर यहां माइनस होता तो देखो माइनस में क्या होता ए माइनस बी यहां पर भी माइनस आता तो ये माइनस प्लस बन जाता फिर आप माइनस कॉमन लेते माइनस ऑफ ए माइनस बी आता तो वो भी एक स्क्यू सिमेट्रिक हो जाता और फाइनली अगर ए बी माइनस सॉरी अगर फाइनली आपको एबी माइनस बी ए के लिए करना है ठीक है अगर ए बी माइनस बी ए के लिए करना है तो देखो उसके लिए हम कैसे कर सकते हैं तो सेकेंड आई एम प्रूविंग अगर ट्रांसपोज ले लिया right, तो आई कैन ब्रेक ट्रांसपोज ओवर माइनस साइन सो इट विल बी ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज ठीक है अब ए का ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे रिवर्सल लॉ से तो ए का ट्रांसपोज को बेटा मैं लिखूंगा बी ट्रांसपोज इन ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज इन बी ट्रांसपोज ओके बी ट्रांसपोज इन ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज इन बी ट्रांसपोज नाउ बेटा B ट्रांसपोज किसके इक्वल था ये था माइनस के क्यों क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि A और B स्क्यू सिमेट्रिक राइट right, अगर नहीं गिवन होता तो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाते बट ऐसा हर बार आपको सिमेट्रिक और क्वेश्चन में गिवन होगा तो बी ट्रांसपोज को मैं लिखूंगा माइनस बी ए ट्रांसपोज को मैं माइनस ए लिख दूंगा तो क्या देखो पुटिंग दीज वैल्यूज अब के बी मत लिख देना कि हम b इंटू ए को ए बी लिख देते नहीं b इंटू ए इज डिफरेंट फ्रॉम a इंटू बी वरना तो फिर ये जीरो ही हो जाता अगर आप दोनों को इक्वल बोल देते नहीं होते क्योंकि हमें पता है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन याद है ना बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है है तो अब देखो यार ए ए ए ए बी 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 माइनस माइनस का ट्रांसपोज के इक्वल आ रहा एंड इफ आई टेक माइनस कॉमन तो क्या आपको दिख रहा है ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स इज माइनस ऑफ इट सेल्फ और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स अगर माइनस ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल आ गया देन इट्स अ क्या बोला गया यहाँ पे हमें पढ़ो 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 क्वेश्चन पढ़ो शो दैट बी ए बी डैश बी ए बी डैश मतलब बी इंटू ए इंटू बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और एक्सक्यूसीमेट्रिक सर इसका क्या मतलब हुआ मतलब अकॉर्डिंग टू मतलब समझ नहीं आया तो देखो द मीनिंग इज सिंपल गाइज यू हैव टू प्रूव दैट दिस मैट्रिक्स विल बी सीमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक मतलब ये मैट्रिक्स जब सीमेट्रिक होगा जब ए सीमेट्रिक है और ये मैट्रिक जब स्क्यू सीमेट्रिक हो जाएगा जब ए हमारा एक्ूसीमेट्रिक है दैट मीन्स इट इज डिपेंडिंग ऑन ए दैट बी ए बी डैश विल बी विच काइंड ऑफ मैट्रिक कैसे प्रूफ करें तो गाइस हमेशा सिमेट्रिक सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए ट्रांसपोज ले लो दैट्स इट यार अभी देखेंगे हम जेई में क्वेश्चन आए अगर आपको यह सिंपल लॉजिक समझ में आ गया आप सारे क्वेश्चन कर ले जाओगे तो हम लोग देखते हैं बी ए बी डैश के

फिर सेकेंड वाला है ए तो ए का ट्रांसपोज और लास्ट है बी तो बी का ट्रांसपोज बोलो बेटा समझ में आया क्या ये है ना रिवर्सल हो गया अब रिवर्सल हुआ तो यार बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इसको मैं बी लिख सकता हूँ मैट्रिक्स अगेन वी आर टेकिंग इट ट्रांसपोज दो बार ट्रांसपोज लिया तो बी आ जाएगा यहां आ जाएगा ए ट्रांसपोज और यहां आ गया फिर से बी ट्रांसपोज एज इट इज अब देखो बी के बारे में कोई भी चीज हमें नहीं गिवन है तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि इस मैट्रिक्स का सिमेट्रिक होना या सिमेट्रिक होना ए पर डिपेंड कर रहा है कि ए सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक है और देखो वो हो रहा है तो देखिए इफ आई टेक इफ आई टेक माई ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए अगर मैं ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ले लेता हूं तो ये मैट्रिक्स क्या आ जाएगा बी ए बी ट्रांसपोज एंड गाइज यू कैन क्लियरली सी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इक्वल टू इट सेल्फ आ गया तो ये कैसे मैट्रिक्स होता है दिस इज अमेट्रिक मैट्रिक्स

यस और नो, ओके तो कितनी इजीली हमने प्रूव कर दिया कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा अगर ए सिमेट्रिक है और ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन ए और कैसे स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को सिंपली ट्रांसपोज लेके बेटा सिंपली ट्रांसपोज लेके सो दैट हाउ वी है ठीक है चलिए लेट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन गई ओके okay, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये गाइस आपको जेई में आया हुआ क्वेश्चन है एडवांस में ठीक है तो क्या बोला गया है लेट एक्स एंड वाई बी टू आर्बिटरी थ्री क्रॉस थ्री नॉन जीरो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो एक्स और वाई के बारे में क्या बोल दिया गया कि ये दोनों ये दोनों कैसे मैट्रिक्स हैं ये दोनों

है ना तो ये तीन चीजें क्वेश्चन में गिवन है जो इतनी लंबी कहानी थी उसका सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट यही है हमने सारांश लिख लिया है ना हमेशा सारांश लिख लो कहानी जो भी लिखे उसका अब देखो क्या बोला है कि इनमें से देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर आर क्यू सिमेट्रिक तो गाइज ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन है एमसीक्यू बोले तो मल्टीपल चॉइस करेक्ट मोर देन वन करेक्ट है ना तो चार चारों ही ऑप्शन आपको आपको चेक करने हैं बस बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक है अच्छा तो अब ऐसे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो देखो आप ऑब्वियसली हियर यू हैव टू गो ऑप्शन बाय ऑप्शन यू कांट गेट एनी दिस कंडीशन ओके सो एमसीक्यू क्वेश्चन जब भी होते हैं तो हमें क्या करना होता है ऑप्शन बाय ऑप्शन चेक करना है कि हाँ ये सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक है उस बेसिस पे इसको गलत या सही मार्क करेंगे है ना तो बस सॉल्व कर लेते हैं यार तो y का क्यूब z टू द पावर फोर माइनस जेड का पावर फोर y क्यूब है ना अब इसको कैसे प्रूव करें कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है कैसे चेक करें तो गाइज अगेन क्या करेंगे बताओ हाँ ट्रांसपोज ले लेंगे तो ट्रांसपोज ले लेते हैं सर ट्रांसपोज लेना तो बहुत ईजी है ठीक है लेट मी जस्ट चेंज हाँ, तो क्यूब z टू द पावर फोर माइनस z टू द पावर फोर क्यूब इस मैट्रिक्स का ले लिया जाता है ट्रांसपोज ठीक है तो इस मैट्रिक्स का बेटा अगर हम ट्रांसपोज ले, ले लेंगे ठीक है सॉरी

इसका ट्रांसपोज माइनस सेकेंड पार्ट का ट्रांसपोज अब गाइज यहां पर क्यूब और टू द पावर क्या होंगे अपने आप में ही ये दो ट्रांसपोज राइट ए बी ट्रांसपोज विल बी बी ए रिवर्सल लॉ एंड विल बिकम वाई क्यूब ट्रांसपोज इंटू जेड टू द पावर फोर ट्रांसपोज ओके Clear? Now, guys, x transpose is minus x, y transpose is minus y, and z transpose is minus z. We can use this property now, okay? So, z to the power 4 transpose, guys, I can write it as z transpose to the power 4 as well, okay? Transpose and power you can interchange, okay? This is a property. So, you can write it like this. Now, z transpose, if I put equal to z and y transpose equal to minus y, so it will become z to the power 4 minus y cube. So, guys, power is odd, so minus will come outside. So, it will become minus z to the power 4 y cube. Uh, here again, minus minus will become plus, so this will become y cube z to the power 4. Now, guys, if you compare this matrix and this matrix, okay, so what I can do, uh, न यू सी वाई क्यूब जेड टू द पॉवर फोर माइनस जेड टू द पावर फोर वाई क्यूब ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स इज कमिंग टू इट सेल्फ अरे देखो यहां पर आप इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हो ना यू कैन राइट एट एज लाइक दिस इज वाई क्यूब जेड टू दावर फोर माइनस जेड टू द पावर फोर वाई क्यूब सो ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स इज कमिंग इक्वल टू इट सेल्फ तो ये एक सीमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ और हमें तो इस क्यू सीमेट्रिक क्वेश्चन में बताना है दट मीन्स दिस इज नॉट करेक्ट अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाता कि सिमेट्रिक कौन से हैं बेटा तो आप ए को करेक्ट बोल देते होंगे बट ये क्वेश्चन है मल्टीपल मार्क मिलेंगे और चार मार्क दैट मींस यू कैन चार फोर मार्क्स इज वेरी डिफरेंट सिलेक्शन नॉन सिलेक्शन हो सकता है कॉलेज चेंज हो सकता है ब्रांच चेंज हो सकती है ठीक है तो फोर मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है अब ऐसे ही बी पार्ट को Okay, let's rub this one and here only let's solve our B part. Okay, yeah. So, B part when I say so x to the power 44 plus y to the power 44, again I'll take its transpose. So, it will become x to the power 44 transpose plus y to the power 44 transpose. Now, this will become x transpose to the power 44 plus y transpose to the power 44. और guys, हमें गिवन है कि एक्स और वाई कैसे मैट्रिक्स थे एक्स टू दावर टू पावर इवन तो माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा तो एक्स की पावर फोर्टी फोर प्लस वाई की पावर फोर्टी फोर सो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज अगेन इक्वल टू इट सेल्फ तो ये भी कैसा मैट्रिक्स हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स हो गया बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स ओके सो बी इज अगेन रॉन्ग ऑलराइट देन अगेन सेम थिंग वी विल डू फॉर ऑप्शन सी ओके नाउ आई होप आप ही लोग सारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बहुत इजीली है ना तो अब सी ऑप्शन हम लोग चेक कर रहे हैं सो टेकिंग ट्रांसपोज सी ऑप्शन क्या था एक्स टू द पावर 4 z क्यूब z क्यूब x टू द पावर 4 सो so, x टू द पावर 4 z क्यूब माइनस पावर फोर इसका अगर ट्रांसपोज लेते हैं सो गाइज यू कैन ब्रेक ट्रांसपोज ओवर डिफरेंस फर्स्ट सो दिस विल कम समथिंग लाइक दिस राइट ब्रेकिंग सेपरेटिंग ट्रांसपोज ओवर माइनस साइन नाउ दिस इज ए बी ट्रांसपोज तो दिस विल बिकम बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और गाइज मैं ट्रांसपोज को इनसाइड ले लेता हूं तो ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा ओके आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस हाँ? इस तरह से आ जाएगा बेटा ट्रांसपोज और पावर को इंटरचेंज कर लिया जो दो को मैंने कर दिया आ गया होगा में किया था डिटेल में सॉल्व देख लो अब z z का तो तो सर था था कैसा मैट्रेक्स? ये इट सेल्फ होगा तो ये हो गया x कैसा मैट्रिक्स था वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स था तो एक्स ट्रांसपोज विल बी माइनस बट माइनस की पावर फोर ठीक है तो माइनस की पावर मैं लिख देता हूं अदरवाइज यूल गेट कंफ्यूज पहले मैं इसको माइनस एक्स ही लिखता हूं और अब माइनस की पावर क्या है इवन है तो वो प्लस ही हो जाएगा तो ये आ जाएगा नाउ इफ वी कंपेयर गाइस तो क्या आपको दिख रहा है कि अगर मैं यहां से माइनस साइन कॉमन ले लेता हूं सो दिस विल बिकम पॉजिटिव एक्स टू दावर फोर जेड क्यूब एंड दिस विल बिकम ने पावर फोर सो कैन यू कंपेयर

तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर बेटा क्या हो जाएगा इट विल बी ऑप्शन ऑप्शन सी अभी डी भी हो सकता है इट्स अ मोर देन वन करेक्ट ओके चलिए सॉरी 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 डी ऑप्शन चेक कर लेते हैं यहीं पे चेक कर लेते हैं सो दैट विल बी कंफर्टेबल ओके सो ऑप्शन डी विल बी या now x to the power 23 so d option is x to the power 23 plus y to the power 23 and if you have to check whether it's a symmetric or a skew symmetric again the same thing i'll take its transpose so this will guys become x to the power 23 transpose plus y to the power 23 transpose i can interchange power and transpose so it will become something like this नाउ x ट्रांसपोज सो so, x एंड y आर स्क्यू सिमेट्रिक तो ये हो जाएगा माइनस x टू द पावर 23 प्लस माइनस वाई टू द पावर ट्वेंटी थ्री नो नेगेटिव टू द पावर ऑड तो गाइज माइनस साइन आ जाएगा इट विल बी माइनस एक्स टू द पावर ट्वेंटी थ्री माइनस वाई टू द पावर ट्वेंटी थ्री एंड इफ यू टेक माइनस साइन कॉमन इट विल बी प्लस वाई टू दावर ट्वेंटी थ्री सो कैन यू सी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स अगेन कमिंग नेगेटिव टू इट सेल्फ दैट मीनस डी इज ऑल्सो अट्रिक मैट्रिक्स करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो गया करेक्ट आंसर इज बोथ सी एंड डी ओके बोथ ऑफ दीज आर इसक्यू सिमेट्रिक मैट्राइसेस ए एंड बी वर सिमेट्रिक मैट्राइसेस ठीक है तो so ये दो चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑल राइट सो दिस इज हाउ यू कैन डू अ क्वेश्चन गाइज इट वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन एडवांस क्वेश्चन ठीक है? चलिए, नाउ लेट सी द्वेश्चन लेट ए एंड बी बी टू सिमेट्रिक मैट्राइस क्या बोल दिया गया कि ए और बी कैसे मैट्रिक्स हैं दीज आर टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फिर से ट्रांसपोज इक्वल टू ए और बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी होगा बेटा है ना? अब हमें क्या बोला गया है दो स्टेटमेंट गिवन है ए इंटू बी एंड ए बी इंटू बी आर क्या ये statement correct है या false है? चेक कर लेते हैं तो इंटू बी एंड ए बी इंटू ए अगर इनका ट्रांसपोज लेता हूं तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल ए इंटू बी एल ट्रांसपोज इफ आई टेक ओके

टू एंड बी आर सो इफ सिमेट्रिक मीन ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस होगा और बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी होगा राइट क्योंकि सीमेट्रिक मैट्रिक्स है तो यार ये ए हो जाएगा ये बी और ये फिर से ए तो क्या आपको दिख रहा है कि ए बी ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ए बी ए के इक्वल आ रहा है मतलब ये कैसा मैट्रिक्स हो गया ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया राइट right? और अगर मैं सेकेंड वाला फॉलो करूं ए बी ओके इनटू ए तो गाइस आप मुझे बताइए क्या इन दोनों मैट्रिक्स में कोई डिफरेंस है हुँ? क्या इन दोनों मैट्रिक्स में कोई डिफरेंस है तो अगर आपको प्रॉपर्टीज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की समझ में आई होंगी तो आप बोल दोगे इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है क्यों क्योंकि हम सिर्फ ए बी सी और A...

पहले बी ए को करो या ए बी को करो फाइनल आंसर फिर हमारा सेम आएगा तो इसीलिए ये भी हमारा सिम, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा आपको फिर से प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि हाँ सर दोनों मैट्रिक्स मैट्रिक्स हमारे कैसे मैट्रिक्स हैं मैट्रिक्समेंट हैं। तो वन तो करेक्ट है, है ना तो ये वाला चीज सी तो फॉल्स हो गया क्योंकि स्टेटमेंट वन फॉल्स तो नहीं है अब ए बी और डी में से आंसर हो सकते हैं तो हमें क्या चेक करना है कि अब स्टेटमेंट टू करेक्ट है या नहीं तो गाइस क्या बोला गया है ए बी इज सिमेट्रिक इफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए बी इज कम्यूटेटिव तो गाइस ए बी को अगर सिमेट्रिक सिमेट्रिक बनाना है तो गाइस ए बी होगा कब जब ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी आ जाएगा और ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी का अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूं तो अपलाइंग रिवर्सल लॉ ए बी होल ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज इन टू ए ट्रांसपोज ए एंड बी आर सिमेट्रिक तो ये बी के इक्वल और ये ए के इक्वल तो क्या आपको दिख रहा है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स इज नॉट कमिंग टू इट सेल्फ इट इज कमिंग टू बी इन टू ए लेकिन अगर बी एक्वल टू ए बी हो गया अगर बी एक्वल टू ए बी हो गया तो फिर सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि एबी का ट्रांसपोज ए बी का इक्वल है तो हम क्या बोल रहे हैं क्या स्टेटमेंट में लिखा है ए बी इज ट्रांसपोज ए बीज सीमेट्रिक इफ एंड बी मल्टीप्लीकेशन इज कमेटिव मीन ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू सॉरी ए बी इज इक्वल टू बी ए

क्योंकि यहाँ तो ये दोनों ऑब्वियसली कम्पिटेटिव आ ही रहे हैं मतलब दे आर कमिंग सिमेट्रिक मैट्रिक्स ओके एंड वी आर नॉट यूजिंग द रिलेशन कि ए बी इक्वल टू बी ए होगा या नहीं है ना तो यहाँ पर स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट टू इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन यू कैन से एंड ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन